विनेश फोगाटের ডিসকোয়ালিফিকেশন এবং তারপর সংসদেও আজ বিরোধীরা সরব হয়েছিলেন। যেভাবে विनेश ফোগাটকে ডিসকোয়ালিফাই করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন তারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, তিনি বলছেন विनेश তুমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন, তুমি ভারতের গর্ব, প্রত্যেক ভারতবাসী অনুপ্রেরণা। আজকের ঘটনা কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু আমি জানি তুমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ফিরে আসবে, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। অলিম্পিক থেকে विनेश ফোগাট ছিটকে যাওয়ার পর পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। विनेश ফোগাট অলিম্পিক থেকে ছিটকে গিয়েছেন এবং তারপরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে ইতিমধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডিহাইড্রেশনের কারণে হাসপাতালে ভর্তি বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে গোটা দেশ সরব হয়েছে। গতকাল সারা রাত ধরে তিনি ঘুমননি, এরকমই জানা যাচ্ছে। একের পর এক যোগা করেছেন, বিভিন্ন এক্সারসাইজ করেছেন যাতে তার ওজন আয়ত্তে থাকে, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আজ সকালে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে নির্ধারিত ওজন তার থেকে 100 গ্রাম ওজন বেশি রয়েছে, যে কারণে ফাইনালে নামতে পারবেন না তিনি। আর এরপরই ভেঙে পড়েন विनेश ফোগাট, হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ডিহাইড্রেশনের কারণে। আজ विनेश ফোগাটের ডিসকোয়ালিফিকেশন এবং তারপরে সংসদ একেবারে উত্তাল হয়ে ওঠে। আজ দুপুর 3টে নাগাদ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী তার বিবৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তিনিও এই ইস্যুতে সরব হয়েছে। কর দিয়া যায় जिससे हमारे जनजाति समाज को लाभ मिल पाए। तोमा आप सबका धन्यवाद। श्री पार्थ भौमिक, श्री पार्थ भौमिक, अगर वो फाइनल में जाती और कुछ ग्राम से कुछ ये अगर फाइनल उनका रोका जाता तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। इसके पीछे कोई तो भी साजिश है, उस साजिश के वजह से उनको यहाँ रोका गया। पूरे भारत को मालूम है कि वो जब जंतर मंतर पर धरना देते बैठे, उनको न्याय देना देते नहीं आए, हमको उनको न्याय नहीं मिला। अब अगर गोल्ड मेडल जीत के आई तो फिर उनको उनका सम्मान करना पड़ेगा। जिसको खसेट के लिख गए और उनका ही सम्मान करना तो किसी लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा। वो कि विनेश फोगाट जब गई होगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती, ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। ফাইনালে খেলতে পারবেন না विनेश ফোগাট, একের পর এক সংসদ এই নিয়ে সরব হচ্ছেন, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করছেন তারা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ তিনিও কিন্তু সরব হয়েছেন। তিনি পোস্ট করেছেন, এমনি কি विनेश ফোগাটকে সরিয়ে দেওয়া হলো নাকি জিতলে মোদি কোম্পানি মুখ পুরত, সেই কারণেই কি সর্বোচ্চ স্তরে অন্তর্ঘাত করা হলো, রহস্য থাকছে, পোস্ট করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। विनेश ফোগাট অলিম্পিক্স থেকে ছিটকে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলছেন विनेश ফোগাট এমনি বাতিল হলেন নাকি জিতলে মোদি কোম্পানির মুখ পুরত। देखिए इसको लेकर हम बहुत दुखित हैं, दुखित है मतलब हमें लग रहा था कि वो जो घटना घटी है इसमें हमें बहुत ठेस पहुंचा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात है, और उन्होंने जैसे बताया ट्वीट करके वो पीटी उषा जी से भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बता पाएंगे, और सरकार भी प्रयत्न कर रही है इसको रिकॉन्सिडर भी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है। देखिए इसमें तो ऑफिशियल्स जो है वही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। आज उसकी लड़ाई थी, उसी बीच में खबर आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए या पूरी जितने
लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे, कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त पहल करनी चाहिए, ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए।